गाइस वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल निकू फैमिली ब्लॉग्स में। आज की वीडियो एक कॉन्ट्रोवर्सियल वीडियो है। आजकल जो यूट्यूब पर कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, एक्चुअली ये फैमिली की कॉन्ट्रोवर्सी है, बट ये यूट्यूब पर आ चुकी है, इंस्टाग्राम पर आ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा इस पर हंगामे हो चुके हैं, तो इस वजह से इस पर हम वीडियो बना रहे हैं। ये तो किसी की फैमिली में पर्सनली हम नहीं घुसते, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पारस ठगला और स्नेहा के बारे में कि आखिरकार इनके बीच में ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों की लड़ाई झगड़े इतने बढ़ गए। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि पारस को स्नेहा कभी पसंद ही नहीं थी, पारस स्नेहा से शादी नहीं करना चाहता था, ऐसा पारस ने खुद बोला। इस चीज का खुलासा करते हैं। दरअसल पारस ने एक वीडियो डाली, उसमें स्नेहा के बारे में बहुत कुछ किया, लिटरली ये कहें कि स्नेहा के कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा दी गई वहां पे, और कि तो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी, इस वजह से मुझे शादी करनी पड़ी, मैं शादी नहीं करना चाहता था, मैं तैयार ही नहीं था, मेरा करियर ये था, मैं इतना कमा रहा था, इसने तो मुझसे पैसे के लिए शादी की, ये वो बला बला। एक वर्ड उन्होंने बोला कि 3.5 महीने बाद मुझे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और एक बार ये भी बोला कि मेरे शादी के 7 महीने बाद जो है हृदय हो गया। मुझे ना ये नाम बोला नहीं जाता, कितना कॉमन सा है पर बोला नहीं जाता, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है, कोई कोई वर्ड मुझसे बोले नहीं जाते। तो आप खुद सोचिएगा 7, 8, 9, 10 यानी कि क्या वो 10.5 महीने बाद हुआ है? 10.5 महीने बाद बच्चे थोड़े ना होते हैं, 9 महीने बाद होते हैं। 7 महीने बाद शादी के बाद आपने सबने देखा, प्रूफ देखा, यानी कि वो आपको किस टाइम कितने महीने बाद बता दिया होगा, 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद। तो आपने ये बात तो झूठ बोली ना कि आपको 3.5 महीने बाद पता चला कि शी इज प्रेग्नेंट। दूसरी बात उन्होंने बोली कि भाई मैं नशे में था, मुझे कुछ पता ही नहीं चला, ये है वो है। तो नशे में थे, आपको पता नहीं चला, आपका कहना ये था। एक्चुअली इन्होंने वहां पे भी अपनी गलती नहीं मानी, उन्होंने माने कि मुझे बहुत पिला दी गई थी, इनका मतलब ये था कि भाई मैं नहीं पीना चाहता था लेकिन मुझे पिला दी गई थी, और मुझे ये सब प्लानिंग के तहत मेरे साथ में किया गया था जस्ट मुझसे शादी करने के लिए। ओके, तो ठीक है, अगर ऐसा भी था, आपने ये जाहिर करने की कोशिश की कि मैं स्नेहा को पसंद ही नहीं करता था, जस्ट मेरी फ्रेंड थी और इसने मुझे फंसाया, पैसे के लिए मुझसे शादी की, बच्चा जबरदस्ती कर लिया, उसके बाद मुझसे शादी की सिर्फ क्योंकि मेरे पास पैसे थे। तो शादी से पहले जब स्नेहा के साथ इनकी शादी हुई थी, उससे पहले यूट्यूब चैनल माना कि इनका चल रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इतना हाइप पे था जो आपके पास इतने पैसे आ गए थे। चलो आपके पास पैसे भी आ गए थे, लेकिन आपका जो घर आया है उससे पहले आपके घर की कंडीशन इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं थी जो आपको इतना घमंड हो कि भाई मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे थे, इस वजह से मुझसे शादी की। ये बहुत कुछ आपके को जो है स्नेहा शादी के बाद आपको मिला है। तो ये तो दिखता है कि आप दोनों ने शादी इसलिए की क्योंकि दोनों यूट्यूबर थे, अच्छा दोनों कमाते मिलके, इस वजह से शादी की। तो आपने ये सब ड्रामा क्यों किया समझ में नहीं आ रहा, लेकिन चलो अच्छा ये बातें भी सही है जो बोला है, लेकिन आपने खुद अपनी बीवी की इस तरीके से इज्जत की धज्जियां उड़ाई है, ये चीज कहां तक सही है? और खुलासा ये भी हुआ है कि दोनों का तलाक ऑलरेडी हो चुका था यूट्यूब पे ये सब कॉन्ट्रोवर्सी से पहले। तो मुझे तो ऐसा लगता है, जो मुझे फील होता है, क्योंकि भाई मैं दोनों में से किसी को नहीं देखती, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे ना जो ये निब्बा निब्बी वाले कपल होते हैं ना, मुझे पसंद नहीं है, और मुझे मैं नहीं देखती थी, बट कॉन्ट्रोवर्सी के बाद में जब कॉन्ट्रोवर्सी इस तरीके की हो जाती है तो देखना पड़ता है। तो मुझे इतना समझ में आया इन दोनों के, स्नेहा के साथ में पारस ने मारपीट की, रीजन कुछ भी हो सकता है, उस चीज को एक्सेप्ट किया, ठीक है, शादी इन्होंने करनी नहीं थी बट इन्होंने शादी की, फिर मारपीट शुरू कर दी उस चीज को, चलो ठीक है। स्नेहा ने सोचा तू अपना कमाती है, तू भाई पैरों पे खड़ी है, तू यहां से निकल जा, तेरे हो जाता सही है, वो निकल गई, दोनों अलग हो गए, दोनों के रास्ते अलग हो गए। लेकिन फिर दोनों ने सोचा कि यार अब तो टॉपिक खत्म हो गया, अब हम कैसे कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करें और कैसे व्यूज लाए, ये चीजें कभी ना कभी तो सामने आती है, क्योंकि क्यों ठीकरा दूसरे के ऊपर ना फोड़ा जाए, तो ठीकरा दूसरे के ऊपर फोड़ दिया गया और वो सब चीजें हो रही है। पहली बात ये, अपने आप को इतनी इंडिपेंडेंट दिखाते हैं आप लोग, तो आपके साथ जब मारपीट होती है तो आप लोग तभी कदम क्यों नहीं उठाते, क्यों इतने चुपके चुपके आप लोग तलाक ले लेते हैं जिससे कि किसी को पता ना चल जाए, और अगर जब हुआ था तो इस चीज को उठा के क्या फायदा। आपने खुद ही सिग्नेचर किया कि आप अपने बच्चे को उनको सौंप रही है, फिर अगर वो इस तरीके से आपको मिलने नहीं दे रहा था, आपको वहां पे पहले लीगली एक्शन लेना चाहिए था,
वहां मारपीट जिस तरीके से पारस ने की, वो तो खुद अपना केस खराब करके बैठा हुआ है। तो इस चीज को क्यों इतना ड्रामा बनाया जा रहा है, क्यों इतना? मुझे जो लग रहा है, देखो तलाक तो इनका हुआ है, हो चुका है, क्योंकि ये चीज इन्होंने डिक्लेयर कर दी, तलाक तो हो चुका है। दोनों ने एक दूसरे की इज्जत के भी धज्जे उड़ा दी, तो इनके साथ में आने का तो कोई चांसेस ही नहीं बनता। और तलाक का रीजन एक बोल रहा है कि रीजन ये था कि भाई बहुत मारपीट मेरे साथ करता था, दूसरा बोल रहा था कि वो सही लड़की नहीं थी, मुझे तो शादी नहीं करनी थी, मैंने तो जबरदस्ती कर ली। तो जबरदस्ती कर ली तो पारस जी को इतना जरूर बोलना चाहूंगी कि अगर आपको पसंद नहीं थी तो वो हनीमून के जो आप जो वीडियोस डाल रहे थे सुहागरात वाली, वो जो इतनी वायरल हुई थी जिसकी वजह से आपको काफी ज्यादा फेम मिला था, तो आप समझ सकते हैं ना कि वो इसके अलावा कोई कर भी नहीं सकती थी, ऐसा करवा भी नहीं सकती थी इस तरीके से। तो आपके भी अपनी सोची समझी, आपने भी अपना वहां पर फायदा देखा था, आप दूसरे पे ठीकरा मत फोड़िए कि आपको फंसा दिया गया था। आप इतने सीधे, इतना सीधा लड़का कोई नहीं होता जो फंसा दिया जाता है जिसको, सच्ची। तो लेकिन जिस तरीके से अभी एक कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, ये आगे चलेगी और अभी और चलिए, क्योंकि स्नेहा का चैनल ही पारस ने डिलीट कर दिया। भैया पारस को मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब तुम्हारा उस लड़की से मतलब खत्म हो गया था, माना तुम्हारा लड़ाई झगड़ा होता, पर तुमने उस लड़की को, जब तुम्हारा वो लड़की अलग ही होगी, तुम्हें कौन सा हक बैठता था उसका चैनल डिलीट करने का? यहाँ पे तो पारस गलत लग रहा है मुझे। एक्चुअली इस जो कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है इसमें दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है, किसी एक को आप सही नहीं बोल सकते। दोनों एक दूसरे के ऊपर इतने कीचड़ फेंक रहे, इतने कीचड़ फेंक रहे। बट जो मुझे बातें सबसे ज्यादा बुरी लगी, पहले तो यही कि जिस तरीके से पारस ने बोला कि भाई मैं तो शादी नहीं करना चाहता था, और जिस तरीके से पारस की जो वीडियो आई है उसके कैरेक्टर के बारे में, उसके बारे में वो चीजें, थोड़ा एक लड़की होकर थोड़ा लगता है कि नहीं ये चीजें गलत है और ये चीज उसने गलत बोली है। और दोनों में अभी भी प्रूफ भी ले रहे हैं दूसरे का, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप इस कॉन्ट्रोवर्सी पे कॉमेंट जरूर करना कि आपको क्या लगता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। बड़ी ही फटाफट से वीडियो बना रही हूँ, अभी मैं जस्ट कहीं से आई हूँ और वीडियो बना रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।